एग्जाम बहुत नजदीक है, पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, डर लग रहा है, पसीने छूट रहे हैं, अब सुबह जल्दी जाकर पढ़ने का दिल नहीं करता, रोना आ रहा है। दोस्त, आपको रोने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई सैम आपके लिए कुछ फाड़ू टिप्स लेकर आया है, जिसके मदद से भले ही कुछ समय बचे एग्जाम को, लेकिन फिर भी आप एक अच्छा मार्क्स कर सकते हो। बसरते आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि अगर आपने एक भी टिप्स मिस करा तो बहुत कुछ खो दोगे। टिप्स नंबर 1, स्टडी योर सिलेबस। अब तो आपके पास समय भी बहुत कम है, इसलिए रटना सिलेबस को एकदम बेवकूफी है। वैसे भी पूरा सिलेबस को याद नहीं किया जाता, टॉपर्स भी याद नहीं करते। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को स्टडी करना है। स्टडी करना मीन्स कि आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको निकालना, टीचर्स की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से उस क्वेश्चंस को निकालना है, उसको सोल्व करना है और उसको समझने की कोशिश करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो, जिससे आप एक अच्छा मार्क्स कर सकते हो। टिप्स नंबर 2, वॉइड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को एटलीस्ट लास्ट 2 to 3 मंथ। दोस्त, पूरे साल तुमने मजे किए, अब तो कम से कम मजे को सेक्रीफाइस कर लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अंत के समय में रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमजोरी होती है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जो उसके दिमाग को पूरी तरह खोखला कर देता है। अगर तुम्हारा दिमाग का मेमोरी कार्ड अगर फ्री रहेगा ना, तो मेरे दोस्त ज्यादा से ज्यादा चीजें भर पाओगे, तो ये सब फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट मत करो। टिप्स नंबर 3, फाइंड द स्कोरिंग सेक्शंस। भाई, कम से कम समय में ज्यादा स्कोर करने के लिए ना ये टिप्स बहुत ही खतरनाक काम करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सभी को तो नहीं लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपके मार्क्स को बुश कर सकता है ना, उसको मेमोराइज कर लो, उसको याद कर लो, अपने टीचर्स से, अपने सीनियर्स से, इंटरनेट की मदद से उसको एक जगह पे इकट्ठा करो और उसको याद करो, बहुत बेनिफिट होने वाला है। अपने स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग शॉर्ट आंसर्स, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एटलीस्ट 40 मार्क्स के होते ही होते हैं, तो शायद इससे भी आप ज्यादा से ज्यादा चीजें आप कवर कर पाओगे। तो मेरे दोस्त, इन सब चीजों को, कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करो। टिप्स नंबर 4, यूज पोमोडोरो टेक्निक। भाई, इस बार मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं ना जो आपको किसी ने बताया होगा। आपने कई बार नोटिस किया होगा, कई बार नहीं बल्कि हजारों बार आपने नोटिस किया होगा कि आप जब मोटिवेशन वीडियोस देखते हो ना, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन की आग लग उठती है और आप पढ़ने के लिए बैठ जाते हो। लेकिन जब पढ़ने के लिए बैठते हो ना, तो 15 मिनट 20 मिनट के बाद आपका सारा मोटिवेशन भाड़ में चला जाता है और आप उठ जाते हो, आप पढ़ नहीं पाते हो। तो आपको इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है, आपको 25 मिनट पढ़ाई करनी है और 5 मिनट रेस्ट करना है। यह है पोमोडोरो टेक्निक। याद रखना मेरे दोस्त, 25 मिनट पढ़ाई करनी है और 5 मिनट रेस्ट करना है। इससे आप क्या करोगे, जो रेस्टिंग टाइम है ना, वो आपके दिमाग को फिर से पढ़ने के लिए एक्टिव कर देगी। टिप्स नंबर 5, सॉल्व प्रैक्टिस पेपर एंड डोंट बी पैनिक। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस पेपर्स को डील करना है, उसको सोल्व करना है। आपको एग्जाम, आपके एग्जाम अगर 1 महीने बाद है ना, तो आपको 1 महीने पहले से आपको प्रैक्टिस पेपर्स को बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करना है और आपको अपने आप को ऐसा तैयार कर देना है ना कि जब आप एग्जाम में बैठो तो कोई कमी ना रहे, कोई बचे कुछ नहीं, सब कुछ आप लिख दो, सबके आपके पास में पूरी प्रैक्टिस आपके पास भरा हुआ हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट बी पैनिक। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना यार कि एग्जाम सुन करके ना साला डर जाता है। डरोगे तो मरोगे, डरो नहीं बल्कि इसका टटका सामना करो। तो मेरे दोस्त, इस 500 टेक्निक को अच्छे से समझो और इस्तेमाल करो। अगर आपने इस्तेमाल कर दिया तो कम समय में ज्यादा मार्क्स लाने से कोई नहीं रुक सकता। इस वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो कीजिए और इस तरह की मोटिवेशन वीडियो हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। जय हिंद।